हेलो बच्चों गुड इवनिंग कैसे हो आप लोग सभी हाय हेलो कैसे हो रेडी हो बच्चों जल्दी से आ जाइए और फटाफट से एक बार आप अपना नाम लिख दीजिए और बता दीजिए सब कुछ साउंड वगैरह सब कुछ ओके है फिर अपन स्टार्ट करते हैं हाय हेलो कपिल विनय चलिए आ जाइए फटाफट आ जाइए फिर क्लास स्टार्ट कर रहे हैं अपनी है ही ना और ऐसे तो अपन टेंथ क्लास में है ये टॉपिक बाकी एट्थ क्लास के अंदर भी अगर एट्थ क्लास वाले स्टूडेंट देखना चाहें तो वो भी देख सकते हैं एक मिनट नो स्क्रीन सॉरी 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 स्क्रीन नहीं आई एक मिनट सॉरी सॉरी माय मिस्टेक सॉरी अब आ जाएगी ओके सॉरी सॉरी चलिए यस बच्चों जल्दी से रेडी हो जाइए स्टार्ट कर रहे हैं अपन यस प्राची कपिल भरत विनय हाय जयदेव हाय तो चलिए बच्चों स्टार्ट करते हैं अपन है ना तो अभी सब कुछ ओके है कोई प्रॉब्लम नहीं है ना चलिए स्टार्ट करते हैं ना देखिए तो चैप्टर नंबर सेकंड है बच्चों और ये अभी टेंथ क्लास का है ना मुझे मालूम है काफ़ी लेंदी हो गई हमारे चैप्टर ये वीडियोज़ वगैरह पर कोई बात नहीं अच्छे से सीख रहे अपन तो अच्छे से सीखना अपन को तो चैप्टर नंबर सेकेंड है ह्यूमन सिस्टम जो अपन चैप्टर है चैप्टर का नाम है और आज इसका सेवनटीन्थ लेक्चर है ना चलिए तो स्टार्टिंग जो हमारी जर्नी स्टार्ट हुई थी ये लास्ट अब हमारा सिस्टम रहने वाला है तो जो स्टार्टिंग जो हमारी जर्नी हुई थी वो स्टार्ट किया था अपने डाइजेस्टिव सिस्टम से जिसके अंदर हमारा मेन जो रोल था वो रोल था कि कैसे जो फूड था जो मुझे मालूम है ये अपन ने कई बार पढ़ चुके हैं लेकिन एक बार अपना जो फ्लो है ना एक बार फ्लो बैठ ले अपन कि अपन पढ़ने क्या जा रहे हैं और क्या क्या अपन पढ़ चुके हैं तो एक आपका फ्लो बैठ जाएगा इससे आपको समझ में आ जाएगा ठीक है चलिए तो यहाँ पर अपन ने डाइजेस्टिव सिस्टम से अपन ने स्टार्ट किया था जिसके अंदर अपन ने फूड को स्मॉल स्मॉल पार्ट्स में उसको डिवाइड किया था ब्रेक डाउन किया था ताकि वो हमारे ब्लड के अंदर मिक्स हो जाए और कहाँ पे हो रहा था इंटेस्टाइन के अंदर हो रहा था मालूम है ना आपको चलिए अब फूड यहाँ पे डाइजेस्ट और हो, डाइजेस्ट होने के बाद में डाइजेस्टन डाइजेशन से मीनिंग हमें समझ रहे थे बिल्कुल स्मॉल पार्ट्स में उसको डिवाइड कर देना डिवाइड हुआ ब्लड में एड हुआ अब वो जो ब्लड के अंदर एड हुआ तो उसके बाद में आपको एनर्जी मिलना बहुत जरूरी थी अब एनर्जी तो ऐसे मिलेगी नहीं अब इसके लिए जो आपका ब्लड था उस ब्लड का ऑक्सीडेशन होना जरूरी था यानी कि उसके अंदर ब्लड के अंदर ऑक्सीजन एड होना बहुत जरूरी था और वो ऑक्सीजन एड होने के लिए कहाँ पे वो कौन सा सिस्टम आ रहा था हमारा सेकंड नंबर रेस्पिरेटरी सिस्टम जिसके अंदर जो ऑक्सीजन थी वो ऐड हुई थी हमारे लंग्स के अंदर लंग्स के अंदर जो ऑक्सीजन थी वो ऐड हुई थी ब्लड के अंदर ठीक है वहाँ ऑक्सीजन एक्सचेंज ऑफ गैसेज हुआ था कार्बन डाइऑक्साइड यहाँ पर रिलीज हुई थी और ऑक्सीजन ऐड हुई थी अब ऑक्सीजन भी ऐड हो गई हमारा ब्लड भी प्योर हो गया अब ब्लड प्योर होने के बाद में आपकी पूरी के आपकी जो पूरी वॉल जो बॉडी है बॉडी के हर एक सेल तक वो जो ब्लड है उसका पहुँचना बहुत जरूरी था तो इसके लिए जो यहाँ पर रोल आया यहाँ पे हाँ आरिफ यस चलिए मोहित रोहित है ना चले हाय तो यहाँ पर देखोगे आप लोग तो जो ब्लड था बच्चों वो ब्लड आपकी पूरी बॉडी में सब जगह पहुँचना उसको जरूरी था तो उसको पहुँचाने के लिए यहाँ पर जो थर्ड जो सिस्टम आया था वो था ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम कौन सा आया था ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम और इसके अंदर सबसे मेन जो ऑर्गन था वो कौन सा था हमारा हार्ट था जो कि अपन डिस्कस कर चुके हैं फर्दर इसके बाद में जो हमारा ब्लड था आपको मालूम है कि यहाँ पर कई सारी ऐसी मेटाबॉलिक ऐसी प्रोसेस वगैरह हो रही होती है जहाँ पर नए न्यू सेल बन रहे होते हैं तो जब न्यू सेल बन रहे होते तो वहाँ पर कई सारा ऐसा वेस्ट होता है जो आपके ब्लड के अंदर मतलब आपकी बॉडी में बनता है और उस वेस्ट का भी बाहर निकलना बहुत जरूरी था तो उसके लिए जो नया सिस्टम जो आ रहा था वो आ रहा था एक्सक्रीटरी सिस्टम है ना एक्सक्रीटरी सिस्टम आया था जिसके अंदर हमारा जो भी ब्लड के अंदर जो भी जो भी सेल वगैरह जब डिवीजन हो रहे थे सेल वगैरह जब न्यू सेल बन रहे थे तो उस समय यहाँ पे कई सारे वहाँ पे वेस्ट प्रोडक्ट बन रहा था तो उसको भी अपनी बॉडी से बाहर निकलना जरूरी था तो उसके लिए जो न्यू सिस्टम आया था एक्सक्रीटरी सिस्टम जिसके अंदर हमने देखा था जो भी ब्लड के अंदर जो नाइट्रोजिनस जो वेस्ट था उसको बॉडी से बाहर निकालना जरूरी था तो अपन ने किसके थ्रू बाहर निकाला था किडनी के थ्रू याद है ना किडनी की जो स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट कौन सी है चलिए बता दीजिए किडनी के स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट बता दीजिए हाय विनय किडनी के स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट बता दीजिए फिर उसके बाद में अपना न्यू सिस्टम स्टार्ट करते हैं अपन ठीक है एक फ्लो बैठा रहे हैं बच्चों ताकि अपन को एक मतलब के जो एक जो आगे के जो अपन टॉपिक स्टार्ट कर सकें वो उसको एक अच्छा सा यहाँ पे पहले से बूस्टर मिल सके यहाँ पे ठीक है ना चलिए वेरी गुड वेरी गुड आंसर बिल्कुल करेक्ट है नेफ्रॉन कभी भी आपसे पूछ लेना कि जो किडनी के जो बेसिक जो उसकी स्ट्रक्चर एंड फंक्शनल यूनिट कौन सी होती है वो होती है नेफ्रॉन होती है और यही वो नेफ्रॉन होते हैं जो क्या करते हैं आपके ब्लड को फिल्टर करने का, का काम करते हैं कोई भी अगर आपसे ये पूछता है ना कि ब्लड का प्योरीफिकेशन कहाँ होता है तो कभी ये नहीं कहोगे कि सर हर्ट के अंदर होता है हर्ट में कभी ब्लड का प्योरीफिकेशन नहीं होता है और ना ही कभी आप किडनी बोलोगे किडनी भी कभी ब्लड को प्योर करने का काम नहीं करती है प्योरीफिकेशन का जो काम होता है वो आपके रेस्पिरेटरी सिस्टम होता है लंग्स के अंदर होता है लंग्स में भी एल के अंदर होता है जहाँ पे एक्सचेंज ऑफ गैसेज होती है ऑक्सीजन एड होती है वहाँ पे प्योरीफिकेशन जाता है हाँ अगर कोई आपसे फिल्ट्रेशन का पूछ ले बच्चों कोई भी अगर आपसे फिल्ट्रेशन का पूछ ले तो फिर अपन वहाँ पे किडनी आंसर करेंगे तो ये इस बात का आपको ध्यान रखना है चलिए तो ये अपन ने सिस्टम पढ़ लिया अब इसके बाद में आता है बच्चों हमारा नेक्स्ट एकोर सिस्टम आता है जिसका नाम है रिप्रोडक्टिव सिस्टम तो अब ये रिप्रोडक्टिव सिस्टम इसके ये हमारे लिए क्यों जरूरी है इसको पढ़ना हमारे लिए क्यों जरूरी है चलिए इसको भी अपन बता देते हैं देखो बात की जाए कि अपन ऑर्गेनिज की बात कर रहे हैं यहाँ पे अभी अपन ने स्टार्टिंग की थी आपकी बॉडी से अपन ने स्टार्टिंग की थी ये बॉडी से ये देखो कितनी यहाँ पे जो बॉडी की बात की थी ह्यूमन बॉडी की बात करी तो ये जो ह्यूमन ये बना कैसे ये भी तो हमारे लिए जानना जरूरी है ना कि अगर जिस ऑर्गेनिज के बारे में अपन बात कर रहे हैं तो ये ऑर्गेनिज आया कैसे ये बना कैसे ये भी तो अपन को जानना जरूरी है तो इसको समझने के लिए यहाँ पे एक और सिस्टम आता है जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करने वाला है और उस सिस्टम का नाम है यहाँ पे रिप्रोडक्टिव सिस्टम ठीक है रिप्रोडक्टिव सिस्टम अपन पढ़ने जा रहे हैं ये और लास्ट टॉपिक है हमारा इस चैप्टर का इसके बाद में चैप्टर कम्प्लीट हो जाएगा मुझे मालूम है कि आप लोग कब से चाह रहे थे ये चैप्टर जल्दी कम्प्लीट हो क्योंकि बहुत लेंदी हो गया था क्या अगर ये चैप्टर लेंदी है तो करना पड़ेगा अपन को ठीक है तो बच्चों स्टार्ट करने जा रहे हैं अपन रिप्रोडक्टिव रिप्रोडक्टिव सिस्टम अपन पढ़ने जा रहे हैं है ना चलिए तो सिस्टम की बात कर रहे हैं तो जब देखो जब जब यहाँ पे सिस्टम की बात आई जैसे कि डाइजेस्टिव सिस्टम की बात करी रेस्पिरेटरी सिस्टम की बात करी अपन ने एक्सक्रीटरी सिस्टम की बात करी तो ये जो सिस्टम बन रहा होगा बच्चों क्या सिस्टम किसी एक ऑर्गन से बन रहा होगा क्या नहीं हमको मालूम है कि ये, जो ये different, different भी जो सिस्टम बनेगा रिप्रोडक्टिव सिस्टम ये डिफरेंट डिफरेंट ऑर्गन से मिलकर बनेगा अब यहाँ पर रिप्रोडक्टिव सिस्टम भी यहाँ पर अलग अलग होता है यहाँ पर अगर फीमेल की बात की मेल की बात की जाएगी तो उनका रिप्रोडक्टिव सिस्टम अलग होगा और फीमेल की बात की जाएगी तो उनका रिप्रोडक्टिव सिस्टम अलग होगा तो अपन को दोनों को जानना यहाँ पर जरूरी है दोनों के अंदर जो ऑर्गन जो अलग ऑर्गन भी अलग अलग होंगे जो ऑर्गन से मिलकर जो सिस्टम बन रहा होगा चाहे मेल रिपोर्डक्टिव सिस्टम की बात करें या फीमेल रिपोर्डक्टिव सिस्टम की बात करें तो दोनों के अंदर यहाँ पर डिफरेंट डिफरेंट ऑर्गन होंगे और डिफरेंट डिफरेंट ऑर्गन मिलकर यहाँ पर सिस्टम बना रहे होंगे जिसका अपन को स्टडी करना है ठीक है तो आपको नाम मालूम चल गया रिप्रोडक्टिव सिस्टम तो इसी के बारे में अपन डिस्कस करने वाले हैं ओके चलिए तो प्रिंस ओके वेलकम प्रिंस आप भी आयो तो रिप्रोडक्टिव सिस्टम पढ़े उससे पहले अपनी वर्ड जान ले रिप्रोडक्टिव की बात जो अपन बात कर रहे थे रिप्रोडक्शन की देखो रिप्रोडक्टिव किससे बना रिप्रोडक्शन तो पहले आप ये जान लो कि रिप्रोडक्शन क्या होता है ठीक है तो रिप्रोडक्शन इसमें समझ लें कि अपन चलिए यहीं पे समझ लेते हैं अपना ना देखो तो यहाँ पे बच्चों बात की जा रही है यहाँ पे रिप्रोडक्शन की है ना कल देख, reproductive पहले देखो रिप्रोडक्टिव से अपन समझे कि पहले रिप्रोडक्टिव वर्ड है क्या तो रिप्रोडक्टिव को समझने के लिए आप रिप्रोडक्शन को समझो कि रिप्रोडक्शन का मीनिंग क्या होता है देखो Reproduction पर देखो दो से बन से अगर आप ध्यान पे री और production. Production का मतलब जानते ना आपकी यानी कि प्रोड्यूस करना प्रोड्यूस करना यानी कि बनाना किसी चीज का बनना, री वापिस, है, री, री का था? वो का वापिस बनना तो जब कभी भी किसी कोई चीज यहाँ पर जब प्रोड्यूस करने की बात आएगी जब किसी भी कोई भी थिंग को जब प्रोड्यूस करने की बात आएगी तो उसको क्या बोलेंगे रिप्रोडक्शन बोलेंगे वहां पर तो अब यहाँ पे भी कुछ ना कुछ इसका मतलब अपन समझ सकते हैं कि कुछ ना कुछ यहाँ पे प्रोड्यूस हो रहा होगा कुछ ना कुछ यहाँ पे बन रहा होगा यहाँ पे तो ठीक है बच्चों सही समझा आपने कि हाँ यहाँ पे भी कुछ ना कुछ यहाँ पे प्रोड्यूस होने की बात की जाएगी कुछ ना कुछ यहाँ पे प्रोडक्शन की बात की जाएगी तो यहाँ पर किस चीज़ की प्रोडक्शन की बात कर रही है तो यहाँ पर जो बच्चों बात की जाएगी यहाँ पर बात की जाएगी ऑर्गेनिम्स की ऑर्गेनिम की प्रोड्यूस होने की बात की जाएगी जो भी लिविंग ऑर्गेनिम है तो वो कैसे प्रोड्यूस होते हैं उसी का स्टडी की जाएगी रिप्रोडक्टिव सिस्टम के अंदर अब ऑर्गेनिम ऐसे तो डिफरेंट डिफरेंट टाइप के होते हैं यहाँ पे एनिमल प्लांट की बात करें प्लांट ऑर्गेनिज वो अलग होते हैं और जो ह्यूमन की अपन बात करें ह्यूमन या पे एनिमल वगैरह उनकी बात की तो वो अलग है यहाँ पे तो अभी जो अपन को डिस्कस करना अगर आप लोगों ने सेवंथ या एट क्लास के अंदर पढ़ा होगा तो सेवन्थ क्लास के अंदर तो प्लांट वगैरह के बारे में था प्लांट रिप्रोडक्टिव सिस्टम के बारे में आपने पढ़ा होगा पहले उसके बाद में आपने उसके अंदर भी आपने ए सेक्सुअल सेक्सुअल इसके बारे में भी अपन जानेंगे कि रिप्रोडक्टिव सिस्टम भी यहाँ पर टू टाइप का होगा रिप्रोडक्शन भी सेक्सुअल हो गया या एसेक्ल हो गया तो उसके बारे में आप अच्छे से जानेंगे तो मैं बात कर रहा था सेवन क्लास के अंदर आपने एक हल्का सा आइडिया लिया होगा एटथ क्लास के अंदर भी आपने आइडिया लिया होगा अगर आर बी बोर्ड से हो आप लोग तो आपने सिर्फ पिछले साल पिछले साल तो मतलब कि इससे पिछले से पिछले साल, साल सिर्फ प्लांट का ही था उसके अंदर भी लेकिन फिर लास्ट ईयर जैसे सी बी एस ई जो एन सी आर टी अपने मतलब स्टार्ट हुई तो उसके अंदर तो आ गया अब न्यू सिलेबस आप देख सकते हो एट्थ क्लास के अंदर भी ये टॉपिक है रिप्रोडक्टिव सिस्टम तो एटथ क्लास वाले पढ़ना चाहे तो पढ़ सकते हैं यहाँ पे ओके चलिए हाय सिद्धार्थ वेलकम आपका भी आप भी आए हो आज अच्छी बात है वेरी नाइस चलिए तो यहाँ पर अपन बात कर रहे हैं बच्चों की रिप्रोडक्टिव की बात कर रहे हैं ठीक है तो अभी अपन को जो बात करनी है यहाँ पर ना तो प्लांट की बात करनी है ना ही अपन को एनिमल की अपन को सीधी और सिंपल ह्यूमन की बात करनी है पर है ना ह्यूमन क्योंकि हमारा जो चैप्टर का नाम ही है ह्यूमन सिस्टम तो ह्यूमन सिस्टम की रिप्रोडक्टिव सिस्टम की बात करेंगे तो ह्यूमन के अंदर कैसे रिप्रोडक्शन होता है कैसे जो एक न्यू ऑर्गेनिक जो प्रोड्यूस होकर आएगा जो प्रोड्यूस होगा प्रोडक्शन होगा उसका तो किस तरीके से होगा इसी के बारे में ये टॉपिक रहने वाला है

जो टाइप आता हुआ था सेक्सुअल रिप्रोडक्शन और यहाँ पे एक और इसको अपन और नाम से बोल सकते हैं बाई रिप्रोडक्शन ठीक है बाई रिप्रोडक्शन अब यहाँ पे बाई ह्यूमन के लिए क्यों यूज किया जा रहा है चलिए इसको जान लेते हैं अपन ठीक है एक मिनट एक मिनट बच्चों चलिए तो यहाँ पर हाँ टाइम एट ओ क्लॉक का ही है देखो यहां पर बात की जा रही है बाई सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की एक मिनट हो रहा है एक मिनट रुकना बच्चा पेन काम नहीं कर रहा यहां पे चलिए तो यहां पर बात की जा रही बच्चों बाई सेक्चुअल काम क्यों नहीं कर रहा है चलिए अब ठीक है है ना तो देखो बच्चों यहाँ पर जो बात की जा रही है कि देखो जो रिप्रोडक्शन होता है ये भी टू टाइप का होता है कितने टाइप का होता है टू टाइप का होता है याद रखना आपको ठीक है और टू टाइप का भी कौन कौन सा होता है एक तो होता है एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन और एक होता है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन तो जब कभी भी ह्यूमन की बात की जाएगी तो वहां पर अपन जो डिस्कस करेंगे वो करेंगे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन यानी जो ह्यूमन के अंदर जो भी ऑर्गेनिज्म जो प्रोड्यूस होता है जिसका प्रोडक्शन होता है तो वो किस टाइप से होता है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है और इसको भी अपन किस नाम से जानते हैं बाई सेक्सुअल रिपोर्डक्शन अब यहाँ पे जो बाई सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की बात की जा रही है तो बाई सेक्सुअल क्यों बोल रहे अपन तो यहाँ पे इसके नाम में इसका आंसर छुपा है बाई बाई मतलब जानते हो ना आप लोग बाई बाई से मीनिंग होता है यहाँ पे क्या होता है

जब कभी भी जो भी ह्यूमन के अंदर जो भी एक न्यू ऑर्गेनिम जब प्रोड्यूस होगा तो इसके लिए यहां पे टू सेल की रिक्वायरमेंट होगी बच्चों टू सेल कह सकते हो या फिर टू पेरेंट की बात कर सकते हो आप लोग देखो ए सेक्सुअल के अंदर तो यहाँ पे सिंगल पेरेंट से काम बन जाता है लेकिन जब बात की जाएगी यहाँ बाईस सेक्सुअल में या फिर ह्यूमन में जब बात की जाएगी तो यहाँ पर पे टू पेरेंट की जरूरत पड़ेगी एक तो होगी फीमेल और एक होंगे मेल तो जब फीमेल और जब मेल के जो सेल जो भी गेमेट वगैरह जब मिलेंगे जैसे कि जो फीमेल जो सेल होंगे

जबकि बात की जाती है यहाँ पे फीमेल मेल के अंदर अगर सेक्स सेल की बात करेंगे तो वो क्या होगा इस्पम होगा कौन सा होगा इस्पम ये देखिए यहाँ पे लिखा हुआ भी यहाँ पे स्पम तो इनको अब देखो जो सेक्स सेल होते हैं या फिर जो भी जो भी फीमेल सेक्स सेल या फिर मेल सेक्स सेल की बात करें इनको अपन गेमेट्स के नाम से भी जानेंगे देखो कहीं कहीं पर गेमेट वर्ड भी यूज़ कर करेगा तो गेमेट वर्ड यूज़ करेंगे अपन यहाँ पे गेमेट भी बोलते अपन ठीक है चलिए ये नाम याद रखना आपको गेमेट सेक्स ये कह सकते हो फीमेल गेमिट्स या फिर मेल गेमिट्स भी अपन कह सकते हैं तो देखो जब जब मैं यहाँ पे फीमेल गेमिट्स की बात करूँगा तो इट मीस मैं यहाँ पे एक ही बात कर रहा हूं। की बात कर रहा हूँ किसकी बात कर रहा हूँ एक की बात कर रहा हूँ यहाँ पे सेकेंड जब बात की जाती है यहाँ पे मेल सेक्स सेल की यानी कि जो मेल गेमिट्स जब भी मेल गेमिट्स की बात की जाएगी यहाँ पे तो इट मीन्स आप समझ सकते हो ना कि यहाँ पे स्पम की बात की जाएगी किसकी बात की जाएगी स्पम्स की बात की जाएगी यहाँ पे ओके चलिए तो आप लोग देखोगे यहाँ पर कैसे यहाँ पर टू सेल की यहाँ पर रिक्वायरमेंट हो रही है अगर किसी भी ह्यूमन को कोई भी अगर ऑर्गेनिम यहाँ पर रिप्रोडक्शन करना चाहते हैं तो यहाँ पर टू सेल की यहाँ पर रिक्वायरमेंट होगी एक तो कौन सा होगा एक की रिक्वायरमेंट होगी और एक स्पम की रिक्वायरमेंट होगी जब ये एक और स्पम दोनों मिलते हैं यानी कि ये जो स्पम होता है ये स्पम जाता है एक को क्या करता है यहाँ पे फर्टिलाइज करता है इसको क्या करने करेगा फर्टिलाइज करेगा फ्यूज़ करने का काम करेगा जैसे ये देख सकते हो आप लोग ये स्पम जैसे ये स्पम बच्चों यहाँ तक किसके पास तक एक तक जैसे ये स्पम्प एक तक पहुंचेगा एक को जैसे यहाँ पे फर्टिलाइज करेगा तो फर्टिलाइज करने के बाद में यहाँ पे फिर वो जायोड बनेगा जायगोड से फिर वो धीरे धीरे किस किस में कन्वर्ट होगा एम्ब्रियो में कन्वर्ट होगा और एम्ब्रियो से फिर किस में कन्वर्ट होगा ऑफ स्प्रिंग में कन्वर्ट होगा ठीक है ऑफ स्प्रिंग ऑफ स्प्रिंग बोल सकते हो या फिर आप चाइल्ड बोल सकते हो या फिर बेबी वगैरह बोल सकते हो आप लोग ठीक है तो यहाँ पे सिंपल सा मीनिंग है यहाँ पे तो आप लोग यहाँ पे देख सकते हो इससे इस एग्जाम्पल से, इस से आप क्लियर देख सकते हो कि जो भी यहाँ पे जो एक न्यू जो यहाँ पे ऑफ स्प्रिंग जो बन के आ रहा है यहाँ पे तो किन टू सेल से मिलकर के, के आ रहा है पे पे है यहाँ पे है ना टू सेल रिक्वायरमेंट तो जैसे ये टू सेल जिससे मिलकर बन रहा है यहाँ पे जो न्यू ऑर्गेनिज्म यहाँ पे इसको क्या बोला जा रहा है बाई सेक्सुअल रिप्रोडक्शन बोला जा रहा है बच्चों क्या बोला जा रहा है बाई सेक्सुअल रिप्रोडक्शन बोला जा रहा है तो इसलिए आपको ध्यान रखना जो ह्यूमन के अंदर जो कौन से टाइप का सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है बाई रिप्रोडक्शन होता है याद रखोगे आप लोग चलिए देखो अब यह तो समझ में आ गया कि सर कि बाई के अंदर क्या होता है टू सेल होते हैं टू गैमेट्स होते हैं लेकिन ये जो गैमेट्स होते हैं ये मतलब कि प्रोड्यूस कब होते हैं ये अगर बात करें अगर यहाँ पे मैं फीमेल की भी बात करता हूँ कि फीमेल के अंदर गेमेट आते हैं तो ये गेमेट आते कब है कि ये बाई बर्थ होते हैं या फिर किसी एज में आते हैं पर्टिकुलर एज में किसी पर्टिकुलर एज में ग्रो करते हैं कि कब आते हैं ये मतलब कि जब ये बात कर रहे हैं एक वगैरह की कब बनते हैं यहाँ पर तो या फिर कब ये रिलीज होते हैं फीमेल में फीमेल में भी या फिर बात की जा रही है मेल के अंदर अगर मेल की बात करें तो मेल में भी जो इस्पम होते हैं जो मेल गेमिट्स होते हैं ये कब बनते हैं क्या इसकी भी कोई एक पर्टिकुलर एज है या फिर कोई एक जो टाइम पीरियड है जब जाकर ये स्पम बनते हैं या फिर बाई बर्थ ही बनना स्टार्ट हो जाते हैं तो देखो इसको समझने के लिए हम आगे एक न्यू टॉपिक अपन डिस्कस करते हैं जिसको बोला जाता है अपन इसको डिस्कस करते हैं आगे है ना तो अभी यहाँ पे बात की जा रही है कि ये जो किस एज में यहाँ पे जो जो भी एग वगैरह होंगे स्पम वगैरह होंगे इनका प्रोडक्शन वगैरह स्टार्ट हो जाएगा ग्रो करने लग जाएंगे या फिर जो भी जो भी जो भी यहाँ पे फीमेल जो मेल होते हैं इनके अंदर जो चेंजेज आते हैं वो कब आते हैं कोई पर्टिकुलर टाइम में आते हैं तो यस बच्चों एक टाइम होता है एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड होता है जिसके अंदर ये चेंजेज आना स्टार्ट होते हैं जैसे कि मेल के अंदर स्पम का बनना फीमेल के अंदर एग का रिलीज होना तो ये कि फिक्स एक टाइम पीरियड आता है उस टाइम पीरियड को अपन किस नाम से जानते हैं कोई बताना चाहेगा यहाँ पे कोई बताना चाहेगा यहाँ पे चलिए बताइए कोई बताना चाहेगा उस टाइम पीरियड को किस नाम से जाना जाता है चलिए आंसर करने की कोशिश कीजिए बच्चों देखते देखो पहले से किसको मालूम है यहाँ पे आपको यह बताना है कि वो जो पीरियड होता है जिसके अंदर सेक्सुअल चेंजेज आने लग जाते हैं ना जो भी कैरेक्टरिस्टिक्स में जो चेंज आने लग जाते हैं कैरेक्टर में तो क्या बताना चाहोगे फिजिकली वो मेल में भी आते हैं फीमेल में बॉय गर्ल दोनों में आते हैं ये चेंजेज तो बता सकते हो आप लोग उस एज को क्या कहते हैं अपन एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड को चलिए एटीन ईयर ए बॉय बताइए बताइए किस किस को मालूम है यहाँ पे ठीक है नहीं तो मैं बताता हूँ यहाँ पे चलिए तो देखिए बच्चों अगर बात की जा रही है यहाँ पे मैं खुद आपसे बात कर रहा हूं कि एक जो पीरियड फिक्स एक पीरियड आता है एक पीरियड टाइम टाइम पीरियड आता है जब क्या होता है कि जो चाहे फिर बात की जाए मेल के अंदर चाहे फिर फीमेल के अंदर बात की जाए तो इनके अंदर क्या होता है सेक्सुअली यहाँ पे चेंजेस आते हैं इनकी बॉडी के अंदर फिजिकली इनके अंदर चेंजेज आते हैं तो वो चेंजेस कौन सी एज में आते हैं तो उस एज को क्या बोलते हैं अपन उस एज को बोला जाता है बच्चों प्यूबर्टी ये वर्ड याद रखना बहुत ही इंपॉर्टेंट वर्ड है प्यूबर्टी यही वो एज होती है बच्चों जो कि मेल में बॉय में या गर्ल वगैरह के अंदर उनके अंदर सेक्सुअली चेंजेज आना स्टार्ट हो जाता है तो फिर वो चाहे बात की जाएगी बॉय की या फिर बात की जाएगी गर्ल की दोनों के अंदर चेंजेज आएंगे तो सबसे पहले अपन यहाँ पर बॉय की बात कर लेते हैं कि बॉय के अंदर ऐसे क्या क्या चेंजेज आते हैं जब वो प्यूबर्टी एज मतलब जब वो प्यूबर्टी एज के अंदर आ जाते हैं ठीक है तो करें अपन डिस्कस करें चलिए तो समझने की कोशिश करना है और आपको याद भी रखना है वेरी इंपॉर्टेंट है बच्चों इस चीज़ को आपको याद रखना है कि प्यूबर्टी एज ये भी बताऊंगा मैं एज भी बताऊंगा वो कौन सी एज होती है प्यूबर्टी एज वो कौन सा पीरियड टाइम होता है वहाँ पर टाइम पीरियड होता है जब वहाँ पर प्यूबर्टी एज स्टार्ट हो जाती है बॉय और गर्ल के लिए तो सबसे पहले अपन बात की जा रही है यहाँ पर बॉय की बात की जा रही है तो चलिए बॉय की भी अपन बता देते हैं आपको देखो अगर अपन ऐसे तो ये भी थोड़ी सी वेरी कर सकती है लेकिन एन एवरेज की बात करें अगर यहाँ पे एवरेज की बात करें सभी की तो ये जो एज होती है बच्चों बॉयज़ के अंदर वो होती है थर्टीन टू फिफ्टीन थर्टीन टू फिफ्टीन थर्टीन टू फिफ्टीन ईयर्स ओल्ड के अंदर क्या होने लग जाता है ये प्यूबर्टी एज होती है बॉय वगैरह की तो इसके अंदर सेक्सुअली चेंजेस आने लग जाते हैं अच्छा वो चेंजेस कौन कौन से होते हैं जो अपन देख सकते हैं अगर कोई भी अगर अगर किसी के एज मतलब थर्टीन से फिफ्टीन एज में आ रहे हैं तो वहाँ पर उसके बॉडी के अंदर फिजिकली अपन चेंजेस देख सकते हैं वहाँ पे तो वो कौन कौन से चेंजेस आते हैं और वो सबके अंदर आते हैं बच्चों हाँ हो सकता है कि किसी के कि अंदर थोड़ा सा लेट हो जाए किसी के कि अंदर थोड़ा सा वहाँ पे अर्ली हो जाए वहाँ पे तो ऐसा बहुत कम होता है लेकिन एन एन, एन एवरेज अगर माने अपन तो थर्टीन टू फिफ्टीन ईयर ही होती है यहाँ पे एज होती है प्यबर्टी एज ठीक है यहाँ पर बॉय की बात की जा रही है यहाँ पे ओके चलिए तो यहाँ पर जब बॉय की बात की जा रही है तो बॉय के अंदर से क्या क्या चेंजेस आते हैं प्यूबर्टी एज के अंदर चलिए इसको डिस्कस करते हैं तो सबसे पहले बात की जाती है देखो स्किन गेट्स ऑयले ऑयियर यानी कि जो स्किन होती है वो ऑयली होना स्टार्ट हो जाती है ना आप लोग देखोगे जैसे ही एज आना स्टार्ट होती है थर्टी टू फिफ्टी तो उनका जो चेहरा वगैरह जो होता है जो फेस वगैरह होता है थोड़ा ऑयली होना स्टार्ट हो जाता है थोड़ी उनकी जो स्किन वगैरह होती है जो फेस वगैरह होते हैं उन पर थोड़ी पिम्पल्स वाना आना स्टार्ट हो जाते हैं पिम्पल्स वगैरह होना स्टार्ट हो जाते हैं हो सकता है आपके भी हुए कभी इस एज में अगर आप में से भी कोई इस एज में हो तो हो सकता है कि आप भी आपके भी आना स्टार्ट हो रहे हो पिम्पल्स वगैरह तो ये जो ऑयली स्किन होती है बच्चों ये नेचुरल है यहाँ पे ऐसा नहीं है कि ये स्पेशली आपके साथ ही हो रहा होता है या फिर किसी एक पर्टिकुलर एक बॉय के साथ ही हो रहा होता है नहीं ये सबके साथ हो रहा होता है जो भी इस एज में आता है प्यूबेटी एज के अंदर आता है तो कौन कौन से चेंजेस आना स्टार्ट होते हैं एक तो सबसे पहले अपन देख सकते हैं कि जो स्किन होती है वो ऑयली होना स्टार्ट हो जाती है और वहाँ पर क्या होता है क्या होना स्टार्ट हो जाता है पिम्पल्स वगैरह आना स्टार्ट हो जाते है चेहरे के ऊपर ठीक है अब इसके बाद में और क्या स्टार्ट हो जाता है और इसके अलावा फेशियल हेयर फेशियल हेयर से मीनिंग क्या है कि उनकी जो भी मतलब कि जो भी फेस वगैरह के ऊपर वहाँ पे बियर्ड आना स्टार्ट हो जाती है कहते हैं दाढ़ी मूँचे आना स्टार्ट हो जाती है तो धीरे धीरे हल्के हल्के उनके कहते हैं फेस के ऊपर हेयर आने स्टार्ट हो जाते हैं यहाँ पे चाहे यहाँ पे आप देख सकते हो यहाँ पे जैसे अगर मैं बनाता हूँ यहाँ पे ना यहाँ बियर्ड आना स्टार्ट हो जाती है धीरे धीरे और यहाँ पे जो मूँचे वगैरह वो भी आना स्टार्ट हो जाती है यहाँ पे ठीक है चलिए और इसके अलावा क्या क्या चेंजेस आते हैं इसके अलावा जो शोल्डर्स जो होते हैं वो गेट्स वाइडर यानी कि जो जो कंधे वगैरह होते हैं ना जो शोल्डर्स वगैरह जो होते हैं यहाँ पे शोल्डर्स ये क्या हो जाता है थोड़ी वाइड होना स्टार्ट हो जाते हैं वाइड यानी कि थोड़े फैलना स्टार्ट हो जाते हैं ना थोड़ी स्ट्रॉग बनना स्टार्ट हो जाता है यहाँ पे जैसे इस एज में आने स्टार्ट होते हैं इसके अलावा अगर बात की जाए यहाँ पे कि जो भी हेयर वगैरह ना जो भी यहाँ पे अंडर आर्म्स जो भी अंडर आर्म्स होते हैं वहाँ पे हेयर आना स्टार्ट हो जाते हैं यहाँ पे अंडर आर्म्स पे हेयर आना स्टार्ट हो जाते हैं जो भी चेस्ट वगैरह चेस्ट पे भी धीरे धीरे वहाँ पे हेयर आना स्टार्ट हो जाते हैं यहाँ पे ठीक है ये प्यूबर्टी एज में धीरे धीरे स्टार्ट ये चेंजेस आना स्टार्ट हो जाते हैं ना ये चेंजेस देख भी सकते हैं अपन इतना ही नहीं अगर बात की जाए यहाँ पे प्यूबिक हेयर जो भी यहाँ पे जो प्राइवेट जो पार्ट होता है जो मेल जो मेल जो रिप्रोडक्टिव जो पार्ट होता है वहाँ पे भी क्या होता है प्यूबिक हेयर आना स्टार्ट हो जाते हैं ये वाला जो पोर्सन होता है यहाँ पर जो थाई थाई के बीच वाला जो पोर्सन अगर बात करें यहाँ पे तो यहाँ पे भी क्या होता है धीरे धीरे यहाँ पे जो हेयर होते हैं वहाँ पे ग्रो करने स्टार्ट हो जाते हैं यहाँ पर बात की जाए यहाँ पे पेनिस तो जो पेनिस होती है पेनिस में भी थोड़ा वहाँ पे इसका जो साइज थोड़ा वाइडर होने लग जाता है थोड़ा इसका थोड़ा लार्ज होना स्टार्ट हो जाता है टेस्टिस की बात की जाए तो टेस्टिस भी इनका साइज़ भी क्या होने लग जाता है थोड़ा लार्ज होना स्टार्ट हो जाता है थोड़ा लार्ज एज होना स्टार्ट हो जाता है यहाँ पे ठीक है कई सारे चेंज आ जाते हैं बच्चों ये जो मोस्टली और हाँ सबसे बड़ा है। चेंज तो यहाँ पे वॉइस का भी होता है आप लोगों ने देखा होगा कि जैसे ही प्यूबर्टी एज में आना स्टार्ट होते हैं तो थोड़ी तो तो जो जो, जो वॉइस होती है थोड़ी हैवी होने लग जाती है स्पेशली अगर बॉयज़ की बात करें तो उनकी जो वॉइस होती है वो कैसे होने जाती है थोड़ी हैवी होने लग जाती है थोड़ी भारी होने लग जाती है ये चीज़ आपने खुद ने भी यहाँ पर नोटिस की होगी जैसे अपन इस एज में आना स्टार्ट होते हैं प्यूबर्टी एज में तो वहाँ पर जो वॉइस होती है वो थोड़ी कैसे कैसे हो जाती हैवी होने लग जाती है ठीक है तो ये चेंजेस तो ध्यान रखना है आपको इनको याद भी रखने है आपको ठीक है ये आपको याद भी रखने है और ये ये भी मैं बता रहा हूँ कि ऐसा नहीं कि, कि किसी एक स्पेशल बॉय के साथ होते हैं ये सबके साथ होता है हाँ हो सकता है किसी के साथ थोड़ा सा लेट हो किसी के साथ में थोड़ा सा जल्दी हो जाए ये हो सकता है ना ठीक है तो आपको ध्यान रखना है क्या क्या ध्यान रखोगे एक तो स्किन ऑयली हो जाती है फेस के ऊपर यहाँ पे क्या लग जाते हैं हेयर आना स्टार्ट हो जाते हैं चाहे बी की बात करें यहाँ पे जो सोल्जर सोल्जर जो होते हैं वो थोड़े क्या वाइड होना स्टार्ट हो जाते हैं थोड़े यहाँ पे स्ट्रॉन्ग फैलने लग जाते हैं ठीक है यह आप ध्यान रख सकते हो जो भी अंडर आर्म्स वगैरह होती है वहाँ पे भी हेयर ग्रो करना स्टार्ट हो जाते है। या हैं या फिर अगर बात करें यहाँ पे जो चेस्ट वाला जो रीजन होता है यहाँ पे भी धीरे धीरे हेयर ग्रो करना स्टार्ट हो जाते हैं और इसके अलावा जो प्यूबिक हेयर जो भी प्राइवेट जो पार्ट होता है वहाँ पर भी हेयर ग्रो करना धीरे धीरे स्टार्ट हो जाते हैं वहाँ पर और जो भी लेग वगैरह होते हैं ये स्ट्रॉन्ग होना स्टार्ट हो जाते हैं चेस्ट स्ट्रॉन्ग होना स्टार्ट हो जाता है और जो पेनिस होता है पेनिस में भी यहाँ पे इन्लार्जमेंट आना स्टार्ट हो जाता है थोड़ा वाइडर होने जाता है थोड़ी लेंथ धीरे धीरे इसकी इंक्रीज होना स्टार्ट हो जाती है टेस्टिस भी थोड़े लार्जर होना स्टार्ट हो जाते हैं यहाँ पे ठीक है ये बात की जा रही है बच्चों मेल की बात की जा रही है ओके चलिए अब अब पे बात की अपन बॉय की तो ऐसा नहीं कि सिर्फ बॉय के अंदर ही बच्चों ये प्यूबर्टी है है। नहीं गर्ल्स के अंदर भी प्यूबर्टी है, है। गर्ल्स के अंदर भी पे कई सारे चेंजेज आते हैं चाहे फिर बात की जाए पे जो वॉल बॉडी अच्छा इनकी जो एज है एज भी ध्यान रखना जैसे कि देखो बॉय की अगर बात कर रहे हैं तो बॉय की एज कितनी थी थर्टीन टू फिफ्टीन है ना अगर गर्ल की बात करें तो बच्चों गर्ल के अंदर जो प्यूबर्टी एज होती है थोड़ी अर्ली आ जाती है वो थोड़ी जल्दी रहती है मतलब जो गर्ल्स के अंदर जो प्यूबिटी जो होती है थोड़ी बॉयज़ से पहले आ जाती है जैसे कि बात करें इनकी जो होती है ट्वेल्व टू फोटीन के नियर अबाउट है ना अब देखो इस बात का भी ध्यान रखना बच्चों ऐसा नहीं है कि बिल्कुल फिक्स है कि भाई ट्वेल्व टू फोर्टीन होगी तभी आएगी यहाँ पे ऐसा नहीं है मैं बार बार कह रहा हूँ ये वेरी कर सकते हैं हो सकता है थोड़ा सा किसी जल्दी आ जाए या फिर हो सकता है किसी में थोड़ा सा लेट आए बट अगर अपन एन एवरेज की बात करें ना अगर सभी का अगर अपन एवरेज देखें ना तो वो ट्वेल्व टू फोरटीन के नियर अबाउट आता है यहाँ पर ठीक है चलिए तो ये हो गया यहाँ पे अब अपन बात कर रहे हैं कि यहाँ पे गर्ल के अंदर क्या क्या चेंजेस आते हैं जब प्यूबर्टी आ जाती है तो सबसे पहले आप देख सकते हो कि जो भी वॉल बॉडी जो भी उनकी जो वॉल बॉडी होती है बच्चों कैसे होती है कर्व लेना स्टार्ट हो जाती है आप देखो कि जो भी गर्ल्स वगैरह होती है उनकी जो बॉडी होती है थोड़ा कर्व लेना स्टार्ट हो जाती है कर्व समझते हो ना आप लोग एज अ कर्व देखो आप लोग देख सकते हो तो जो गर्ल्स वगैरह की जो बॉडी होती है थोड़ी कर्वी होना स्टार्ट हो जाती है थोड़ा कर्व लेना स्टार्ट हो जाती है अब बात करें यहाँ पे स्किन गेट्स ऑयलर ऑलियर जैसे बॉयज़ के अंदर था ना बच्चों कि जो स्किन थी स्किन कैसे ऑयली होना स्टार्ट हो जाती है जो फेस वगैरह ऑयली होना स्टार्ट हो जाता है ऐसे गर्ल्स के अंदर भी होता है इनके अंदर भी जो स्किन वगैरह होती है वो ऑयली होना स्टार्ट हो जाती है वहाँ पे पिंपल्स वगैरह इनके भी आते हैं यहाँ पे ठीक है गर्ल्स में भी आते हैं बॉयज में भी आते हैं दोनों में आते हैं यहाँ पे तो उस समय ऐसा उसको इस चीज़ को ऐसा डरना नहीं चाहिए कि अरे यार क्या हो गया मेरा चेहरा खराब हो गया नहीं ये सबके साथ होता है बच्चों जो हारमोन चेंजेस आते हैं तो ये सबके साथ होता है यहाँ पे ठीक है तो स्किन के साथ वही पिंपल पिंपल वगैरह आना स्टार्ट हो जाते हैं यहाँ पे स्किन ऑयली वगैरह होना स्टार्ट हो जाती है और अगर बात की जाए यहाँ पर ब्लिश जो ब्रिस्ट वगैरह होते हैं ब्रिस्ट तो जा 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 में था था भी यहाँ पर क्या हो जाता है थोड़ा जा� डेवलपमेंट स्टार्ट हो जाता है ब्रिस्ट के अंदर भी वहाँ पर भी क्या होता है धीरे धीरे उसका जो एनलार्जमेंट होना स्टार्ट हो जाता है थोड़ा इसमें डेवलपमेंट स्टार्ट हो जाता है ब्रिश्ट के अंदर भी और अगर इसके हम बात करें की हेयर की अगर हेयर की बात करें यहाँ पे भी अंडर आर्म्स के अंदर जैसे कि बॉयज़ के अंदर जो अंडर आर्म्स थे वहाँ पर धीरे धीरे हेयर ग्रो करना स्टार्ट कर रहे थे तो यहाँ पे भी जो भी गर्ल्स वगैरह होती है उनके जो जो भी फीमेल वगैरह होती है उनमें भी जो अंडर आर्म होते हैं वहाँ पे हेयर ग्रो करना स्टार्ट हो जाते हैं और बात की जाए यहाँ पे हिप्स की तो जो हिप्स होती है हिप्स जो बोन होती है वो भी वाइडर होना स्टार्ट हो जाती है जो हिप्स जो बोन होती है वो भी क्या होने जाती है वाइडर होना स्टार्ट हो जाती है देखो अपन देखा था ना कि जो बॉय वगैरह होते हैं उनके अंदर जो तो शोल्डर गेट वाइडर ये जो शोल्डर होते हैं ये वाइडर होने स्टार्ट हो जाते हैं ऐसे अगर यहाँ पे गर्ल्स की बात की जाती है तो इनमें क्या होता है जो हिप्स होते हैं ये हिप्स क्या होने जाते हैं धीरे धीरे ये वाइडर होना स्टार्ट हो जाते हैं यहाँ पे ठीक है अच्छा प्यूबिक हेयर की यहाँ भी जो प्राइवेट जो पार्ट होते हैं जो थाई के बीच वाला जो पार्ट जो पोर्शन होता है वहाँ पे भी हेयर धीरे धीरे वहाँ पे भी धीरे धीरे वहाँ पे जो हेयर होते हैं वो भी यहाँ पे ग्रो करना स्टार्ट हो जाने होने लग जाते हैं जैसे ही इस प्यूबिटी एज के अंदर आते हैं यहाँ पे इतना ही नहीं अगर बच्चों बात की जाए यहाँ पे जो हिप्स होते हैं हिप्स में भी थोड़ा यहाँ पे एनलार्जमेंट आना स्टार्ट हो जाता है फीमेल की बात की जाए यहाँ पे और इसके अलावा इसके जो लेग्स की बात की जाए चाहे लेग वगैरह की बात की जाए ये भी कहने जाए थोड़ी बिगर होने लग जाते हैं थोड़े स्ट्रॉन्ग होने लग जाते हैं तो ये है बच्चों मेजर डिफरेंस कि क्या क्या चेंजेज आते हैं चाहे फिर बात की जाए मेल की चाहे बात की जाए फीमेल की जो भी बॉयज़ वगैरह जो गर्ल वगैरह इसमें सब में आते हैं बच्चों ठीक है बॉयज़ और गर्ल में सब में आते हैं तो ये चीज़ अपन नोटिस कर भी सकते हैं ठीक है आप अपने आप में ख़ुद में भी नोटिस कर सकते हैं या फिर आपने खुद ने नोटिस किया होगा जब आप इस एज के रहे होंगे जब आप थर्टीन टू फिफ्टीन या फिर ट्वेल्व टू फोर्टीन अगर गर गर्ल्स की बात की जाए अगर ट्वेल्व टू फोर्टीन एज के नियर अबाउट अगर आप रहे होंगे तो आपने ख़ुद इस चीज़ को एक्सपीरियंस किया होगा बॉयज़ ने भी किया होगा इस चीज़ को एक्सपीरियंस तो ये नॉर्मली ये सबके साथ होता है ना और इसी एज को इसी पर्टिकुलर टाइम पीरियड को अपन क्या बोलते हैं प्यूबर्टी एज कहते हैं तो अगर कोई भी अगर आपसे पूछ लेता है कि वो जो सेक्सुअल जो कैरेक्टर्स में जो चेंजेस आते हैं बॉडी के अंदर जो फिजिकली मेंटली भी चेंज आते हैं यहाँ पे मेंटली भी यहाँ पे चेंज आना स्टार्ट हो जाता है यहाँ पे ऐसा नहीं कि केवल फिजिकली चेंज आता है मेंटल भी यहाँ पे मेंटली भी यहाँ पे चेंजेस आना स्टार्ट हो जाते हैं माइंड में भी ठीक है चलिए तो कोई भी अगर आपसे पूछ ले कि जो सेक्सुअली जो चेंजेज आना स्टार्ट होते हैं वो कौन सी एज में आना स्टार्ट होते हैं प्यूबर्टी एज और स्पेशली आपसे कोई भी पूछ सकता है कि जो बॉयज होते हैं बॉयज में जो प्यूबर्टी एज होती है वो क्या होती है तो आपको यहाँ पर ध्यान रखना है कर्वी मतलब समझा नहीं कर्वियर मतलब कि देखो कर्व होता है ना जैसे कि कर्व एक तो देखो एक तो होती स्ट्रेट लाइन कर्व का मैंने कहा होता एक तो होता था है स्ट्रेट लाइन इसको अपन बोलते हैं कर्व ये सॉरी ये कर्व नहीं है स्ट्रेट लाइन कर्व का किसको बोलते हैं जैसे थोड़ा सा उसमें क्या जाए जैसे स्लोप आ जाए हल्का सा ना ये इसको कर्व करना कहते हैं जैसे सिलेंडर होता है आपने देखो अगर मैं इसे क्यूब की बात करूँ जैसे अगर किसी क्यूब की बात करूँ तो क्यूब का जो साइज होता है वो कैसा होता है जो शेप होता है वो कैसा होता है फ्लैट शेप होता है ना बिल्कुल फ्लैट शेप होता है लेकिन सर्फेस देखो कि बिल्कुल फ्लैट होती है यहाँ पे

तो अभी अपन देखो यहाँ पे बात की जा रही है देखो जैसे स्टार्टिंग में मैंने आपको बताया था कि अपन को यहाँ पे क्या करना है कि रिप्रोडक्टिव सिस्टम तो अपन पढ़ ही रहे हैं अब देखो अपना जो पैटर्न जो रहने वाला है वो भी आपको पता होना चाहिए कि अपन पढ़ने क्या क्या वाले हैं और कैसे पढ़ने वाले है सबसे पहले अपन ने वो जाना कि भी रिप्रोडक्शन क्या होता है उसके अलावा उसका टाइप अपन ने जाना था इसके बाद में अपन ने ये जो जो भी गैमेट्स वगैरह होते हैं जो बन अच्छा हाँ यहाँ पे एक और वेरी इंपॉर्टेंट थिंग अपन भूल गए यहाँ पे सॉरी अपन को बताना भूल गए मैं आपको हाँ देखो बच्चों यहाँ पे जो बात की जा रही है जो स्पम जो अपने सबसे मेन इंपॉर्टेंट बात तो यही थी कि जो भी मेल गेमेंट्स की बात करें मेल गेमेंट्स की जो बात करें जो स्पम की बात करें वो यहाँ पे कब बनना स्टार्ट हो जाते हैं यहाँ पे थर्टीन टू फिफ्टीन ईयर जब थर्टीन टू फिफ्टीन ईयर जो होती है इस एज में यानी प्यूबिटी ऐसे फिर यहाँ पे जो भी मेल गेमेंट्स होते हैं वो यहाँ पे स्टार्ट हो जाते हैं बनना ओके okay? चलिए और ऐसे बच्चों अगर बात की जाए फिर फीमेल के अंदर अगर बात की जाए तो इसी एज के अंदर इन इसी एज के अंदर ट्वेल्व टू फोर्टीन एज में किसके अंदर ट्वेल्व टू फोर्टीन एज में प्यूबर्टी uh, एज में ठीक है प्यूबर्टी एज में इनमें क्या होता है जो मेस्ट्रियल जो साइकिल होता है वो बनना हो है. डिस्क, cycle, जो, जो तो है? स्टार्ट हो जाता है मैंस्ट्रुअल साइकिल चलिए मैंस्ट्रोल साइकिल बता देता हूँ आपको ऐसा हल्का सा आएगा आके वहाँ पर अपन और डिस्कस करेंगे यहाँ पे मैंस्ट्रुअल साइकिल ठीक है जो जो भी यहाँ पे फीमेल वगैरह होते हैं बच्चों फीमेल की जब प्यूबर्टी आ जाती है तो इसी टाइम में क्या होता है मैंस्ट्रियल साइकिल यहाँ पे स्टार्ट हो जाता है मैंस्ट्रियल साइकिल को अपन शॉर्ट में इसको एम सी भी बोलते हैं यहाँ पे ठीक है कहीं कहीं पर इसको एम सी भी बोला जाता है तो ये मैंस्ट्रियल साइकिल क्या होता है कि जो भी पीरियड आता है ना जो भी गर्ल्स वगैरह के अंदर जो भी ब्लड वगैरह यहाँ पर रिलीज होता है तो वो अपन ऐसे आगे डिस्कस करेंगे वहाँ पर जो पीरियड टाइम होता है ना वो यही टाइम होता है बच्चों मैंस्ट्रोयल साइकिल अपन लोकल लैंग्वेज के अंदर यहाँ पे पीरियड टाइम इसके पीरियड टाइम बोलते हैं या फिर इसको अलावा घरों पे भी अगर आपने चलो इसको अपन आगे डिस्कस करेंगे ना या आएगा ऐसे जब अपन फीमेल रिपोर्टेटिव सिस्टम पढ़ेंगे ना उसके अंदर अच्छे से डिस्कस करेंगे कि मैंस्ट्रियल साइकिल कैसे आता है क्या इसके मतलब जो टाइम पीरियड रहता है वो क्या रहता है कब स्टार्ट हो जाता है तो वो सारा अपन डिस्कस करेंगे यहाँ पर ठीक है मेंस्ट्रुअल साइकिल जब हम फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम पढ़ेंगे हाँ लेकिन आपको इसमें अभी क्या ध्यान रखना है अभी आपको ये पता होना चाहिए कि जो मेंस्ट्रुअल साइकिल होता है वो कब से स्टार्ट होना स्टार्ट हो जाता है कब आता है किस एज में आता है प्यूबर्टी एज में स्टार्ट हो जाता है यहाँ पे ठीक है जिसको अपन शॉर्ट में एम सी बोलते हैं यहाँ पे पीरियड टाइम आपने सुना होगा ये सेवन डेज के नियर अबाउट होता है ठीक है चलिए तो इसको अपन डिस्कस करेंगे इसको अच्छे से समझेंगे अपन ऐसी बात नहीं छोड़ना नहीं है अपन को तो देखो अपन बात कर रहे थे रिप्रोडक्टिव सिस्टम की तो जो रिप्रोडक्टिव सिस्टम के अंदर जो अपन को पढ़ना है ना अब ये भी आपको पता है टू टाइप में यहाँ पे टू टाइप में अपन पढ़ना है यहाँ पे मेल और फीमेल दोनों के लिए होगा यहाँ पे रिप्रोडक्टिव सिस्टम दोनों के लिए होगा यहाँ पे दोनों के लिए यहाँ पे अलग अलग यहाँ पे वर्किंग है तो दोनों को समझना भी होगा अपन को तो अपना जो पैटर्न रहने वाला है ना तो अपन मेल का भी पढ़ेंगे और फीमेल का भी पढ़ेंगे बात की जाएगी यहाँ पे मेल रिप्रोडक्टिव पहले अपन समझेंगे मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम को ठीक है पहले अपन समझेंगे मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम को उसके बाद में समझेंगे अपन फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम को तो मेल रिपोडक्टिव सिस्टम में भी अपन कैसे पैटर्न रहेगा पहले अपन क्या करेंगे स्ट्रक्चर को समझेंगे और यही पैटर्न रहा ना हमारा शुरू से ही? अभी तक तो अपन जितने भी सिस्टम पढ़े बच्चों हमारा शुरू से यही पैटर्न रहा कि पहले अपन क्या करते हैं कि जो भी ऑर्गन है जो भी मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के अंदर जो जो ऑर्गन है पहले उनके बारे में जानेंगे उनकी स्ट्रक्चर के बारे में जानेंगे कि कैसा होता है क्या होता है उसकी स्ट्रक्चर के बारे में जानेंगे फिर उसके बाद में अपन इसकी वर्किंग समझेंगे ठीक है उसकी वर्किंग समझेंगे चलिए और ऐसे अपन फीमेल के अंदर भी बात करें तो फीमेल में भी अपन क्या करेंगे पहले इनके ऑर्गेन के बारे में जानेंगे फिर उनके बाद में मतलब उनके स्ट्रक्चर के बारे में जानेंगे फिर उसके बाद में अपन क्या करेंगे इसकी वर्किंग समझेंगे फिर अपन दोनों को रिलेट करेंगे दोनों को कंपेयर करेंगे दोनों को मतलब साथ में समझने की कोशिश करेंगे कि कैसे एक न्यू ऑर्गेनिक प्रोड्यूस होता है वो कौन सी प्रोसेस के थ्रू यहाँ एक न्यू ऑर्गेनिक प्रोड्यूस होगा वो अपन साथ में यहाँ पे सीखने की कोशिश करेंगे ठीक है ना तो चलिए अभी अपन को सीखना है यहाँ पे मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम तो पहले अपन उसको डिस्कस कर लेते हैं देखिए तो बात की जा रही है यहाँ पे मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम की तो अब देखो मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के अंदर भी यहाँ पे इसको क्या किया है कि जो इसको भी टू पार्ट में डिवाइड कर दिया है ऑर्गन की बात कर रहे हैं यहाँ पे स्पेशली किसकी बात कर रहे हैं ऑर्गन की बात कर रहे हैं यहाँ पे तो जो मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम है ना मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम अगर मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम की बात की जाए यहाँ पे तो इसमें भी जो ऑर्गन अभी यहां पे पता आपको यहां पे भी ऑर्गन से मिलकर बनेगा सिस्टम तो यहां पे भी इसको टू कैटेगराइज में इसको डिवाइड किया टू टाइप पार्ट में इसको डिवाइड किया जैसे पहला बात की जाए प्राइमरी प्राइमरी रिप्रोडक्टिव ऑर्गन प्राइमरी रिप्रोडक्टिव ऑर्गन और सेकेंड होगा सेकेंडरी रिप्रोडक्टिव ऑर्गन ठीक है टू टाइप में इसको डिवाइड किया कोई ऐसा कुछ खास नहीं है, ऐसा कर लेंगे कोई दिक्कत नहीं है तो मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन के अंदर भी आपको ध्यान रखना है तो प्राइमरी रिप्रोडक्टिव ऑर्गन और एक सेकेंडरी रिप्रोडक्टिव ऑर्गन प्राइमरी यानी कि जिसका मेन जो हो रोल होगा ऐसा रोल तो हर एक ऑर्गन का होता है लेकिन जो प्राइमरी जो मेन जो रोल होगा वो किसका होगा बच्चों टेस्टिस का होगा किसका होगा टेस्टिस का होगा तो अगर बात की जाए ट्वेल्व टू फोर्टीन एज गर्ल्स हाँ ट्वेल्व टू फोर्टीन एज होती है ठीक है चलिए तो यहाँ पर बच्चों अगर बात की जा रही है यहाँ पे कि प्राइमरी रिप्रोडक्टिव ऑर्गन की ठीक है ना तो अगर मेल के अंदर अगर प्राइमरी रिप्रोडक्टिव ऑर्गन की बात की जाए प्राइमरी रिप्रोडक्टिव ऑर्गन की अगर बात की जाए तो कौन सा प्राइमरी रिप्रोडक्टिव ऑर्गन होगा वेरी इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है आपको मालूम होना चाहिए कि मेल के अंदर जो प्राइमरी रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है अगर उसका नाम आपसे पूछ लिया जाए तो उसका नाम यही होगा बच्चो टेस्टिस्ट ध्यान रखोगे दिखाई दे रहा आपको अच्छा नहीं दिखाई दे रहा चलो मैं इधर ऊपर लिख देता हूँ ये देखो ब्लू कलर में लिख दो यहाँ पे चलिए ये रहा बच्चों यहाँ पे टेस्टिस्ट ठीक है टेस्टिस्ट ये दिखाई दे रहा आपको ये टेस्टिस्ट इसकी बात की जा रही है यहाँ पे याद रखना बहुत ही इंपॉर्टेंट है चलिए तो अगर प्राइमरी रिप्रोडक्टिव ऑर्गन की बात की जाए तो वो क्या होगा यहाँ पे टेस्टिस होगा यहाँ पे है ना एक मिनट ये इमेज वापस काम आएगी अपने तो इसलिए मैं सोच रहा हूँ तो इसी पर पे नया पेज लेकर फिर अपन सीखते हैं चलिए